नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित जायसवाल। पैर छू रहे हैं आप सब लोगों का। आप सब लोग यही आशीर्वाद दें, प्यार दें, नमन दें और मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और लल्लन टाप होंगे। तो दोस्तों, हमारे बीच जुड़ चुके हैं मिस्टर दीपक और जुड़ चुकी हैं उनकी बहन मिस किट्टो जायसवाल। तो किट्टो जी, कैसी हैं आप? ऐसे कर रही हैं। तो आज हम लोग बैठे थे और विचार हो रहा था कि किट्टो की तबीयत काफी दिनों से सही नहीं हो रही है। बहुत सारे लोगों का बहुत टाइम से एक कमेंट आ रहा था कि किट्टो को कहीं भेज दो। तो मैं इसको कह रहा हूँ, किट्टो तुम मायके चली जाओ, तुम्हारे भैया हैं, ये तुमको लिवा के जाए। तो कह रही नहीं, हम नहीं जाएंगे। तुम क्यों नहीं जाना चाह रही किट्टो? कहीं पास आओ, रेंज में आओ। अरे फिर हमको स्टैंड लेके पूरा दौड़ना पड़ेगा। हम लोग की गांव की भाषा देखो, स्टैंड फिस्टैंड पूरा हम लोग बोलते हैं, स्टैंड फिस्टैंड। तो गाइस, हम सोच रहे थे कि अपने बहन को लेके चले घर पे और थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, क्योंकि देखिए बाहर रहने का जो सिचुएशन रहता है वो इलाज वगैरह और दवा दर्पण बाहर शहर सिटी में नहीं मिल पाता है। तो सोच रहे कि क्यों ना अपने बहन को घर लेके चले, वहाँ पे दवा के साथ दुआ भी और स्वस्थ और दुरुस्त हो जाएगी और जो भी इसकी प्रॉब्लम है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ हमारे घर चले और हम दो चार दिन जो भी रुकने वाले हैं जितने दिन, तो हम चाहते हैं कि हमारी बहन हमारे साथ चले। तो अच्छा लगेगा कि इतने दिन टाइम दिल्ली में बिता ली है और कुछ अपने टाइम भाभी के साथ, मेरे पापा के साथ रहेगी। तो मम्मी जैसे कोमल के दिल्ली के लेके यहाँ पे हैं तो चलेगी वहाँ पे, तो इसको भी मन लगा रहेगा कि चलो भाभी हैं, पापा हैं, भैया हैं, कार्तिक है, सोना है। अब इसका एक तरफ मन ये भी लुपुर कर रहा है कि मम्मी यहाँ है। अब मम्मी से ज्यादा अटैच है किट्टो, अपनी मम्मी से ज्यादा अटैच है। तो एक होता ना कि फैमिली में तो सबसे आदमी प्यार करता है, लेकिन कोई एक होता है जिससे ज्यादा प्यार करता है, ज्यादा अटैच रहता है। इतने बड़े भाभी से भी है, ऐसी बात नहीं है, जितना मम्मी से उतना उनसे भी है, उनसे भी हर बात शेयर करते हैं, कोई बात तो उनको भेज दे, तुम जाओ। तो चलो ना, क्या दिक्कत है, बैग वैग पैक कर दे तुम्हारा। तो अच्छा क्यों ना इस बात को अपने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि आप सब लोग भी चाह रहे हो कि किट्टो यहाँ से चली जाए। लेकिन मुझे पता है, मुझे छोड़ के जाते ना बीमार पड़ जाएगी तुरंत, और बीमार पड़ जाएगी। नहीं, काहे बीमार पड़ेगा, जैसे आप हस्बैंड है तो मैं भाई हूँ ना। अरे हम एक बार गए थे यहाँ से थोड़ी दूर, बेहोश हो गई थी उस समय, इस हॉस्पिटल लेके भागे थे, हॉस्पिटल लेके गया था उस समय। अरे रही बात मम्मी यहीं पे है और इसके बाद उनको बेबी होने वाला है, तो फिर जब इसको लेके भी किट्टो एक्साइटेड है। तो सब मैं वहाँ रहूंगी, ये चीज यहाँ पे नहीं होगा तो वो चीज भी मन में खर्चेगा, मतलब होगा कि अरे यार पांच मुझे देखती क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो सारी खुशियाँ भी यहीं पे है, तो फिर अभी घर जाने का क्या मतलब, जब वो जाएंगी तब हो सके तो चले, तब साथ साथ में फंक्शन वगैरह भी होता है ना, कि बच्चा हो जाता है तो घर में खुशियाँ वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। तो सही बात है, हम लोग भी फंक्शन से सीख जाएंगे कौन कौन से फंक्शन होते हैं, मैं भी आइडिया हो जाएगा। हाँ, कभी मेरा भी समय आएगा तो मैं भी ऐसा। हर इंसान का समय आता है, हर इंसान का होता है, सही समय सही वक्त का इंतजार करना चाहिए इंसान को। और हमने खाना खा लिया, लेकिन दीपक भाई ने अभी तक खाना नहीं खाया है। हाँ गाइस, मैंने अभी खाना खाया, क्योंकि बिना भाई के इंतजार कर रहे हैं, अभी अपने रूम पे नहीं है, ड्यूटी है। क्योंकि आज सबका खाना वहीं पे, बंदा जी बोली कि हम थक गए खाना बनाते बनाते, आज जा रहे हैं कोमल भाभी के यहाँ खाना, सबका पार्टी होगा। तो और लाइट भी नहीं थी, आप यहाँ लाइट कर गई थी और सब वहीं चले गए, तो वहीं सब लोग मिलके बनाने लगे। तो इस वजह से फिर वहाँ पे लाइट थी, तो वहाँ पे यहाँ पे ना एरिया भी कटा हुआ है, आप यहाँ लाइट नहीं है, वहाँ पे लाइट थी, ऐसा हुआ है। ऐसा होता है, सामने गली मिल गए, यहाँ नहीं रहता है। और उनके यहाँ तो लाइट ज्यादा कटती है, हमने सुना। हाँ, मम्मी बोले रात में लाइट कट गई, कभी पानी नहीं आता वहाँ पे। हमारे यहाँ तो लाइट अभी बहुत दिन के बाद कटी होगी ना शायद, तो बहुत कलर दिख रहा हूँ। अब किट्टो की तैयारी हो रही है मायके जाने की, तो हम इसको भेज के रहेंगे और ताकि इसकी खुशियाँ, इसका एक होता आदमी जब बीमार रहता है तो बहुत एक शक रहता है कि यार कहीं हो के चले आओ। तो एक होता ना पैर फेरना, हमारे यहाँ बोलते पैर फेर दो, पैर फेर के आ जाओ, तो जाएगी घूम टहल के, थोड़ा पैर फेर के आएगी तो सकता है थोड़ा सा और माइंड फ्रेश हो जाए, माइंड डाइवर्ट हो जाए, तो मोटिवेट हो जाए, तो सही हो जाए। हाँ, तो हम सोच रहे थे लेके चले तुम्हें, और नवरात्र के पहले आपको यहाँ लेके चले भी आएगी, क्योंकि मेरा रिटर्निंग टिकट भी, मतलब नवरात्र में मुझे आना है, कुछ शॉपिंग करना है नवरात्र के लिए, जैसे दुर्गा पूजा का सामान खरीदने ना, तो सोचते तुम्हें लेके चले आएंगे। नवरात्रों में ये आ ही जाएंगे, क्या बात है, तो सावन में जाओ नवरात्र में आओ, क्या बात है, इससे बढ़िया सुबह से कहाँ से मिलेगा। चलते हैं, कपड़ा पैक कर दो मेरा, मजाक ना करो, मजाक नहीं कर रहे, जाओ जाओ मेरा कपड़ा पैक करो, जाओ।
मैके जाने के लिए कौन नहीं तैयार होता है, जो जो तैयार कर रहा है पक्का ना। हाँ तो थोड़ा बतिया लेते फिर तो तैयार कर ही देंगे, तुम्हारा बैग पैक कर देंगे। कौन कौन से कपड़ा लेके जाओगे बताओ, पैक कर देते चलो निकाल। सारा कपड़ा तय है, पैक है। हाँ ये बात तो है, किट्टों के कपड़े सारे पैक रहते पहले से ही, क्योंकि कब हम लोग को कहाँ निकलना पड़ जाए कोई भरोसा नहीं था। अभी हम लोग पिछले 1.5-2 महीने से कहीं नहीं जाए, जब से किट्टों को बीमार हुए हुए 1 महीने से ऊपर हो गया है। एक महीना हो गया लगभग। तो किट्टो जब बीमार थी मतलब हॉस्पिटल एडमिट थी, मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा था कि क्यों ना चला जाओ दिल्ली, चला जाओ। आपने ब्लॉग भी देखा होगा हमारा कि मैं कितना मिस कर रहा था कि मैं अपनी बहन के पास चला जाऊँ। बहुत दुआ कर रहा था कि मेरी बहन जल्द से जल्द स्वस्थ और दुरुस्त हो जाए, और वाकई मैं दिल्ली वाकई पहुँच गया बाबा अमरनाथ के दर्शन। और इनका तो बहुत ही अच्छा रहा, और मुझे हम लोग का पूरा परिवार उन लोगों के साथ है जिन लोगों के घर वाले के साथ आज जो घटना हुई है अमरनाथ में, कल रात में हुई ना साहब। हाँ, अमरनाथ में कल शाम को गुफा के पास ही बादल फट गया, बहुत सारे लोग बह गए लापता हैं, बहुत सारे लोग की डेथ हो गई। तो एक मन में होता ना कि भाई एक भले हमारे परिवार के आ गए हैं, लेकिन भाई बहुत अगर सोचो तो एकदम दिमाग झंझना जाता है यार कि इनके परिवार में क्या बीत रही होगी इस टाइम। एक तो आदमी अच्छे मन से जाता है, पूरी श्रद्धा के साथ जाता है ऐसी जगह पे कि हाँ चलो हम बाबा के दर्शन करेंगे, लेकिन जब जिसको जाना होता है किसके हाथ में होता है, इसमें किसी को दोष नहीं जानते हैं। जबकि कहीं जाना होता है ठीक है, लेकिन जब कोई भगवान के दरबार में जाके वहाँ मौत होती है ना, तो वो चीज भगवान से भरोसा, जिसके परिवार में ये बीतता होगा ना उसका भगवान से भरोसा टूट जाए। देखिए अमरनाथ यात्रा की ऐसी अद्भुत जगह है जहाँ आप लोग को ऐसे साक्षात भगवान भोलेनाथ की दर्शन प्राप्त होती है, जो कि ऑटोमेटिक मतलब आप कह सकते हो कि मतलब खुद से बर्फ बनना, खुद से शिवलिंग बनना, ये अद्भुत ही है। और बाबा भोलेनाथ की इतना कृपा है कि हम स्वस्थ और अच्छे से दिल्ली पहुंचे हैं, और माता रानी की कृपा से आज एकदम बढ़िया है। लेकिन जिन परिवार के साथ ऐसी घटना घटी है, मैं उन परिवार को अपनी तरफ से बहुत ही दिल से ये चाहेंगे कि उनके परिवार को बहुत ही सुख शांति प्रदान करें, और बहुत दुख हुई है, भगवान उनकी उनके परिवार को हिम्मत दे। और क्या? सही बात है, किसी के परिवार में अगर किसी को एक खरोच भी आ जाती है, अभी किट्टो ही बीमार पड़ गई थी, हम सब लोग एकदम तड़पने लगे, एकदम बेचैन हो गए, परेशान हो गए। और बताओ जिन्होंने अपने परिवार मेंबर को खो दिया उनके ऊपर क्या बीतती है, उस चीज को वही समझ सकता है जिसने खोया है। हमको तो इस चीज का एहसास है कि जब कोई किसी से खोता है तो उसको कैसा। दो दो चीज खोने का मतलब आप लोगों को बता दें, एक हमारे जीजाजी जो कि हमको सबसे बड़े प्यारे थे वो चले गए, एक हमारी बुआ, ये दोनों लोग हम लोगों ने खोया है। और इस जानकारी में अपने जानकारी में तो वो दर्द हम समझ सकते हैं कि उसके घर में क्या ये सब बीत सकता है। तो ऐसे भगवान को नहीं करना चाहिए कि अगर आपके दरबार में गए हैं तो वहाँ पे, लेकिन व्यवस्था करना चाहिए ना, जो बर्फ लेकिन वो बादल फट जाते हैं उसका अलग ही चीज होते हैं, व्यवस्था सारी रहती है। अब वो सैलाब आ जाएगा, सैलाब पे किसका कंट्रोल है, किसी कंट्रोल नहीं होता है दोस्तों, सैलाब किसी का कंट्रोल नहीं होता, एकदम आदमी एकदम होता है ना बेचैन उस टाइम, क्या हो मतलब भगवान ऐसी चीजों से बचाए। एक होता आदमी नेचुरल मौत हो जाए, सोता ही रह जाए, वो इंसानों में मंजूर होता है, लेकिन दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो ना आदमी एकदम से हिल जाता है, बहुत दयनीय स्थिति होती है। तो और जब मेरी तबीयत खराब थी तो इन्होंने हमारे लिए जंतर बनवा रखा था, तो जंतर भी आ गया। बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया था किट्टू को नजर लगी है कुछ, देखो आदमी बहुत सारे लोग होते हैं माने चाहे ना माने, लेकिन जब जिसके ऊपर बीतती ना वो सोचता है कि भाई मेरा जो परिवार का जो मेंबर है, जैसे किट्टो मेरी मेरा सब कुछ है, वो आदमी ना दिमाग काम नहीं, आदमी सोचता है कि बस ये ठीक हो जाए। मैंने एक ऐसे वीडियो बना के डाला था ना कि मुझे मतलब कि जब मैं किसी को मतलब कि जिस इंसान को बिल्कुल नहीं जानती, और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे से कोई मिलने जाता है, तो मैं शायद मैंने नोटिस किया कि मेरी तबीयत खराब हो जाती है, तो लोग मेरे को इतना बैड कमेंट किए कि तुम भी सुंदरी हो ना, तुमको नजर लग जाती है, तुम्हें कमरे के अंदर बंद रहा करो, ऐसा रहा करो, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग का मतलब निकाल लेते हैं, हम कहते क्या, और ऐसा हमने भी अनुभव किया इसमें, कोई वो वाली बात नहीं, आदमी अपना अनुभव शेयर करता है, किसी से मिलने न मिलने से कुछ नहीं होता, लेकिन एक आदमी अपना एक होता है ना कि मन में चीजें बैठ जाती है, ये चीज करने से सब हो जाता है। पहली बार तो बीमार नहीं हुई थी ऐसा होता है, इंसान के मन में बैठ जाता है, तो ये सब चीजों को इग्नोर करते हैं। और भगवान उन सब लोगों को हिम्मत दे जिनके घर के लोग
के साथ ऐसी घटना हुई, और भगवान उन सब लोग जिनने भी लापता है भगवान उनको स्वस्थ, उनके परिवार से मिला है, वो स्वस्थ रहे। और ऐसी जगह पे जाए तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। और ध्यान क्या रखें, जब यार जिस भगवान जब जिसको बुलाता है तो बुलाई लेता है। अब बादल फट गया उसमें इंसान क्या कर सकता है, इंसान कोई जोर है, वो तो एक्ट ऑफ गॉड है। हमने भी यात्रा में यदि फंसा हुआ था, मेरा यात्रा रोक दिया गया था क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, तो बोले कि नहीं जाना, अलाउंस भी हो रहा था कि जो भी यात्री अमरनाथ गुफा पास पहुंचे हुए हैं उनको नीचे नहीं जाना दिया जाएगा, और लोग यहाँ रुके रहे, जब बारिश खत्म हो जाएगी तब उनको नीचे। शाम में सुबह 4 बजे भोर में नीचे उतरने के लिए तैयार हुआ, शाम को 7 बजे बोले कि आपको नीचे जाना है। इतने देर बाद, आप लोग बैठे ही गए। हाँ, टेंट था ना, टम्बू होता है कैंप, तो वहाँ पे वो भाड़ा लगता है 400-500 रुपए, तो 500 रुपए मैंने दिया केवल 6 घंटे का। अच्छा, रात को सोने के लिए 1000 रुपए लिए थे कैंप वालों ने। अच्छा, क्योंकि पूरा बर्फ होता है नीचे। तो दोस्तों बस इन्हीं सब शब्दों के साथ अपने ब्लॉग को हम लोग खत्म करते हैं। ये जा रही मायके, इनको इनका बैग वैग पैक करते हैं, कल वाले ब्लॉग में इनका बैग वैग पैक मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, राम राम, आप सब लोगों को प्रणाम।